अब मैं उद्घाटन सत्र की अध्यक्ष अंबेडकर विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर अनु सिंह लाठर से अनुरोध करूंगा कि वे अपना अध्यक्षीय व्याख्यान दें। प्रोफेसर लाठर। नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह बहुत ही पॉपुलर, बहुत अच्छे वक्ता और बहुत अच्छे परफॉर्मर वाइस चांसलर हैं, और देश की जो एजुकेशन पॉलिसी और उसका फ्रेमवर्क में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आजकल जितनी पॉलिसी लेवल पे काम हो रहा है उसमें इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और उन्होंने आज आने के लिए हाँ भरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर कट्टीमने के बारे में सब जानते हैं, और इनका भाषण जब भी मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि ये दिल से भाषण देते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस ऐसे शेयर करते हैं इतनी सरल तरीके से कि आप उससे कनेक्ट ऑटोमेटिकली महसूस करते हैं। पद्मश्री श्री प्रोफेसर जेएस राजपूत, प्रोफेसर राम शंकर कुरिल साहब, आपका स्वागत है। प्रोफेसर अंबिका दत्त जी, आपका स्वागत है। प्रोफेसर अभय दुबे जो हैं उनके लिए जो भी शब्द कहूँ वो बहुत कम, और हम बहुत लकी फील करते हैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी में कि वो हमारे पास आए पोस्ट रिटायरमेंट और इस सेंटर को इस्टेब्लिश किया। प्रोफेसर सत्यकेतु सांकृत यहाँ हैं, हमारे डीन हैं स्कूल ऑफ लेटर्स के, और हिंदी विभाग के ये एचओडी भी हैं, और हिंदी के बारे में बहुत ही पैशनेट रहते हैं, इतने पैशन रखते हैं कि जहाँ मौका लगता है उनको लगता है कि मुझे हिंदी के बारे में बात करनी चाहिए और बार बार बात करनी चाहिए, हर बार बात करनी चाहिए। उनका एंथुजियाज्म ही बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है हिंदी भाषा की तरफ। डॉक्टर नितिन मलिक रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के यहाँ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। इनफैक्ट जब हमारा देशिक सेंटर बना, सेंटर फॉर रिसर्च एंड आर्काइविंग इन इंडियन नॉलेज सिस्टम्स एंड इंडिजिनस लैंग्वेजेस, इस तरह से हमने शुरुआत की। फिर अभय जी को हमने कहा ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बार बार इसको CRA, IKS, IL कहने में, तो हमने इसको नाम दिया देशिक। सो देशिक हमने नाम दिया और इस सेंटर का नाम देशिक है। आप ये देखिए कि कहते हैं कि जब आप यूनिवर्स को कोई मैसेज देते हैं तो यूनिवर्स भी आपको वापस किसी ना किसी फॉर्म में आपसे कनेक्ट करता है। तो जब हम इस सेंटर के बारे में सोच रहे थे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फ्रेमवर्क आना शुरू हुआ, और उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम और इंडिजिनस लैंग्वेजेस पे बहुत सारा फोकस है, हम सब जानते हैं। तो ये एक यूनिवर्स का ही कोई मैसेज था कि अभय जी हमारे पास आए और हमने इस सेंटर को कंसीव किया। जो ट्रांसलेशन की बात आप कर रहे थे बार बार, और उसके लिए चिंता भी आपने व्यक्त की है, तो आई एम श्योर कि अभय जी कमिटमेंट देंगे कि उनका सेंटर जो है ट्रांसलेशन का काम भी धीरे धीरे अपनाएगा। रिसर्च और आर्काइविंग लेवल पे काम ऑलरेडी शुरू है, और उसकी शुरुआत में कई सारी गोष्ठियाँ, कई सारे सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस अभय जी करते रहते हैं, और अभय जी का बड़ा पेट सब्जेक्ट जो है डीकॉलोनाइजेशन है, तो इस पे आई थिंक तीसरी बार हम चर्चा करने बैठे हैं अलग अलग एस्पेक्ट को लेकर के। और ये डिकॉलोनाइजेशन की जब बात करते हैं तो चिंता का विषय ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने से और उसकी गाइडलाइंस होने से क्या डिकॉलोनाइजेशन हो जाएगा और क्या चैलेंजेस हैं जिसको हमें एड्रेस करना है। योगेश जी ने बहुत सारी कंटेक्सचुअल बातें कही, उनको हमें अपने जहन में रखना है क्योंकि वो एप्लीकेशन साइड की बात है। और प्रोफेसर कट्टीमने ने जो बात की वो भी कंटेक्सचुअल है, जो हम भूल चुके हैं और उसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है और उसे भी हमें ध्यान में रखना है। अगर आप देखें
सबसे पहले डीकॉलोनाइजेशन की एफर्ट जो लगाई गई और उसके लिए बधाई के पात्र हैं ड्राफ्ट्स कमेटी के मेंबर्स, और उसमें प्रोफेसर कट्टीमनी भी थे और हमारी कुरिल साहब भी थे और हमारी भारत की जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने सबसे पहले डीकॉलोनाइजेशन की एफर्ट करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी को एमओई के कहना शुरू किया। डिफरेंस और रीज़न क्या था इसे करने के लिए शायद इतना डीपली सोच में शायद नहीं था जितना कि उसकी इम्प्लीकेशन और एप्लीकेशन एक्चुअल में है। जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो हम एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को जो है वो सिर्फ केवल रिसोर्स मानते हैं। रिसोर्स का मतलब है कि वो व्यक्ति समाज को क्या दे रहा है, हम सिर्फ उसकी तरफ देखते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है इकोनॉमिक्स और ट्रेड और व्यापार का जुड़ जाता है, और शायद उस कंटेक्स्ट में इसका रेलेवेंस हमारे भारतीय समाज में इतना नहीं था। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहना आई थिंक बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि हर व्यक्ति बहुत क्रिएटिव है, हर व्यक्ति इसमें खाली रिसोर्स नहीं है, वो अपने आप में इंस्टीट्यूशन भी है, अपने आप में इंस्टीट्यूशन भी है। तो इसलिए हमें किसी भी इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए उसको एज ए रिसोर्स नहीं डेवलप करना है, एज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ हमें उसका बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो इंडियननेस की बात कही गई है, और बहुत ज़्यादा हमने फोकस किया कि हम अपने सभ्यता से जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े, जब इंडियननेस की बात की गई है तो सबसे अच्छी बात है कि प्री स्कूल से लेकर के इस शिक्षा नीति में प्री स्कूल से लेके हम स्कूल की तरफ कैसे फोकस करें, फिर स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी की तरफ कैसे जाएं, ये हमारी शिक्षा नीति में बहुत क्लियरली डिफाइंड है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिस पे शायद हमने इतना कभी ध्यान एजुकेशन सिस्टम में नहीं दिया, और क्योंकि वो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं और वो बड़े इम्प्रेशनिस्ट ईयर्स होते हैं जहाँ बच्चे की साइकी, बच्चे का पर्सोना, बच्चे की स्पिरिट सब कुछ डेवलप हो रही होती है, उस लेवल पे हमारे यहाँ मॉन्टेसरी एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन थी, जो फिर मैं कहूँगी कि पूरी तरह से वो कॉलोनाइज्ड एजुकेशन थी और वेस्टर्न थॉट से प्रभावित थी। तो ये भी जो फोकस आया है एनईपी में, ये बहुत अच्छा एक पैराडाइम शिफ्ट है। हम देखें तो स्वामी विवेकानंद और हमारे अरविंदो जो थे वो हमेशा फोकस करते थे डीकॉलोनाइजेशन की तरफ। आज भी जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो अरविंदो आश्रम से बड़े मन से जुड़ते हैं, क्योंकि वहाँ इंडियननेस की बात होती है, वहाँ फिलॉसफी की बात होती है, वहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, वहाँ यूनिकनेस की बात होती है, और वहाँ इंडिविजुअल जो है, व्यक्ति जो है, उसकी इम्पोर्टेंस की बात होती है। तो आपको दो हमारे एंशियंट रूलर्स हैं, कनिष्क जिन्होंने कुषाण डायनेस्टी, जिसको गोल्डन पीरियड भी माना जाता है, उनका साम्राज्य था, और दूसरे थे हर्षवर्धन। दोनों के दोनों जो थे वो भारत की भूमि से नहीं थे। जो हर्षवर्धन के पूर्वज थे वो बर्मा साइड से कहीं से आए थे, और जो कनिष्क थे कुषाण डायनेस्टी के, वो पेशावर और क्लेम माना जाता है अफगानिस्तान के साइड के थे। और वो गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन साइकी और इंडियननेस माना जाता है, और वो इसलिए माना जाता है कि हमारी इस धरती में एक होलिस्टिकली लिविंग का एक अप्रोच रहा, ओपननेस टू एवरीबडीज थॉट एंड आइडियाज़ थे। तो वो जो इंडिक कॉन्शियसनेस से उन्होंने अपने राज्य चलाए, और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी एज फॉरेनर नहीं थी, हमें बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि वो फॉरेनर्स थे जो यहाँ आए और उन्होंने भारतीय परंपरा को, भारतीय ट्रेडिशन को आगे चलाया। डीकॉलोनाइजेशन करना है और कैसे होगा, हमने देखा कि डीकॉलोनाइजेशन के जो सिंबल्स हैं वो हमारे आसपास बड़े प्रोमिनेंटली नज़र आते हैं।
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है दिल्ली में। मुझे आज तक नहीं पता कि लेडी हार्डिंग कौन थी और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन मेडिसिन में था। लेडी अरविंद कॉलेज है, मुझे आज तक नहीं मालूम है लेडी अरविंद का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था एजुकेशन में। कॉमनवेल्थ गेम्स में हम सब मेंबर्स हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम एक्नॉलेज कर रहे हैं अभी भी कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड को, कॉलोनाइज्ड थॉट्स को। तो हमें सबसे पहले तो इन सिंबल्स को छोड़ना होगा। तो ये एफर्ट गवर्नमेंट लेवल पे ज़रूर होनी चाहिए। प्रोफेसर कट्टीमनी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि किसी भी फोरम पे सबसे पहले हमें उन सिंबल्स को छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमारी सभ्यता में और संस्कृति में ह्यूमिलिटी होना और एक हम्बलनेस होना हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है, और धीरे धीरे वो हम्बल होना, ह्यूमिलिटी होना, इट टर्न्ड इनटू बिकमिंग कॉवर्ड्स, और वो धीरे धीरे हीरो वर्शिपिंग की तरफ चलता चला गया। और रोल मॉडल ज़िंदगी में होना एक अलग बात है और हीरो वर्शिपिंग में घुसना एक अलग बात है। तो हमारी इंडियन माइंडसेट में ये बहुत बड़ी बीमारी है कि हम हीरो वर्शिपिंग में बहुत जल्दी लोगों से इम्प्रेस होते हैं और हीरो वर्शिपिंग में चले जाते हैं। ग्लोरिफिकेशन इतना ज़्यादा करते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि अपनी आइडेंटिटी भी है। वी नीड टू एजुकेट पीपल ऑन आर ओन कल्चर, आर ओन सिविलाइजेशन। आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि आप में से कितने लोगों को ये पता है कि भारत से, इंडिया से पहले भारत और भारत से पहले इस लैंड को किस नाम से हमारे वेदों में, उपनिषदों में रेफरेंस के तौर पे जाना जाता था, तो आई एम श्योर 100% लोगों को नहीं पता होगा कि इसको मेलुहा के नाम से जाना जाता था। सबसे पुरानी सभ्यता जो मानी जाती है वह मेलुहा मानी जाती है, और ये रेफरेंसेस हमारे बहुत एंशियंट स्क्रिप्ट्स में आते हैं, स्क्रिप्चर्स में आते हैं। अमीश त्रिपाठी ने जब अपनी किताब लिखी इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, तो कुछ लोगों को पता लगा कि इस लैंड का नाम मेलुहा भी था। और ऑल दो वो फिक्शन भी है और उसका बहुत सारा रिसर्च बेस्ड काम भी है, तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि हमें अपने ही देश में ये नहीं पता कि हमारा इतिहास क्या था, हमारा पास्ट क्या था और हम क्या थे। हम मेलुहा से भारत कब बने और क्यों बने, और भारत से हम इंडिया बने, तो उसमें क्या डिफरेंस आया, सारा ही डिफरेंस आ गया। कट्टीमनी साहब जो बातें कंटेक्सचुअल पास्ट की करते थे, उन सब का डिफरेंस वहीं आता चला गया। कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, किसी भी देश के दो नाम नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशनली दो नाम नहीं होते। हमारा पहला देश है जिसमें दो, आर्टिकल 1 में जो लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत, कोई भी देश दो नाम से नहीं जाना जाता। पर भारत को क्यों लाया गया जबकि इंडिया के नाम से ब्रिटिशर्स ने हमें एक आइडेंटिटी दे दी थी? क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति इस बात से कन्विंस था कि भारत जो है वो इंडियन कॉन्शियसनेस है, भारत जो है वो इंडियन भारतीयता है, भारत जो है वो इंडियन आइडेंटिटी है, भारत जो है वही सब कुछ है। इसीलिए वो शब्द हमें लाना पड़ा, और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों को ये इतना इम्पॉर्टेंट लगा कि ना चाहते हुए भी उनको ये लिखना पड़ा। तो हम सब जानते हैं कि हिस्टोरिकली क्या क्या हमारे देश के साथ हुआ, हम सब उस रेफरेंसेस को मानते भी हैं। मेरा कहना है कि मॉडर्निज्म का मतलब वेस्टर्नाइजेशन नहीं है, वेस्टर्निज्म नहीं है। मॉडर्निज्म को हमें रीडिफाइन करना है, भारतीयता का उसमें बहुत बड़ा रोल रहना चाहिए, और वेस्टर्नाइजेशन को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कहाँ कहाँ वेस्टर्नाइजेशन होता है और कहाँ कहाँ उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम सब पे होता है।
पिछली गोष्ठी में भी मैंने एक बात कही, मैं बेसिकली इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मैं बाइलिंगुअल अटेम्प्ट करती हूँ अपनी बात कहने का। मैं साउथ से पढ़ी हूँ तो जब मैं नॉर्थ में आई तो हिंदी मुझे बड़ी एफर्ट के साथ सीखनी पड़ी। तो बचपन की कुछ नर्सरी राइम्स मुझे याद हैं। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन एंड देन जिल कीप टम्बलिंग आफ्टर। जैक एंड जिल जैसे करेक्टर मेरी लाइफ के आसपास कहीं भी नहीं थे, और जैक एंड जिल पानी लेने हिल पे गए जबकि हमारे यहाँ पानी लेने हम नीचे आते हैं, पहाड़ों से नीचे आते हैं पानी लेने, ऊपर नहीं जाते। टू फैच अ पेल ऑफ वाटर, पेल का मतलब बकेट और पेल का मतलब पीलापन भी है, तो बड़ा कन्फ्यूजिंग कंटेक्स्ट था वो पेल का मतलब क्या है। जैक फेल डाउन, जैक क्यों गिर गया, क्या उसको किसी ने धक्का मारा, ये इमेजिनेशन पे था। देन जिल केम टम्बलिंग आफ्टर, जैक तो गिर गया पर जिल को क्या हुआ, उसको किसने धक्का दिया दोबारा, वो भी टम्बल करते नीचे आ गया। इसी तरह से एक और पोएम मैंने सीखी, लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन माई फेयर लेडी, बिल्ड इट अप विद आयन बार्स माई फेयर लेडी। आई एम श्योर हम सबके बच्चों ने ये सब पोएम्स पढ़ी हैं, मैंने भी पढ़ी। तो लंडन ब्रिज उस समय में गिर रहा था और क्वीन एलिजाबेथ को जो है उनके लोग अपील कर रहे थे कि लंडन ब्रिज गिर रहा है, प्लीज़ कुछ करिए, बिल्ड इट अप विद आयरन बार्स माई फेयर लेडी। ये कंटेक्स्ट हमारे भारतीय बच्चों के लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं था कहीं पे कहीं भी, और आज तक हम जैक एंड जिल पढ़ा रहे हैं, आज भी हम ये सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो ये जो वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का डिफरेंस है, ये भी हमें एजुकेशन सिस्टम में ज़रूर ध्यान में रखना है, बहुत ज़रूरी है। हिंदी की पोएम मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। सिंपल सा मैसेज, बहुत क्लियर और बहुत लाउड कि मछली के साथ क्या हो सकता है अगर उसे पानी से बाहर निकालेंगे। तो कनेक्ट कितना नेचुरल है और मैसेज कितना अच्छा है। इसी तरह से एक और हिंदी की पोएम है, चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई, चुन्नू बोला मैं भी लूँगा, मुन्नू बोला मैं भी लूँगा, झगड़ा सुन के माता आई उन दोनों को चपत लगाई, आधा तू ले चुन्नू बेटा आधा ले तू ले मुन्नू बेटा, आपस में ना झगड़ा करना मिलजुल के सदा ही रहना। सो इतना बड़ा मैसेज इस छोटी सी पोएम में है। तो जो करिकुलम बनाना है और हम डीकोलोनाइजेशन की बात करते हैं, उस करिकुलम में बहुत सारा कंटेंट जो है वो ट्रांसफॉर्म होने की बड़ी आवश्यकता है, और ये काम बहुत मुश्किल है। डीकोलोनाइजेशन वर्ड बड़ा सिंपल है पर इसको साइकी से निकालना, लिटरेचर से निकालना, सारे साहित्य से बाहर करना, हमारे करिकुलम से बाहर करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सामने रहने वाला है। मैं चाहती थी बहुत कुछ बात करने का पर एक ही बात करके मैं रखना चाहूँगी, ख़त्म करना चाहूँगी अपनी बात, कि जो इंडियन परसेप्शन बाहर देशों में है बदला भी है। गांव का व्यक्ति ये मानता है वो भारत को बिलोंग करता है, और जब हम अपने कंटेक्स्ट में भारत के बारे में, भारतीयता के बारे में सोचते हैं तो बड़ा प्राउड फील करते हैं। हम वेद के बारे में सोचते हैं, अपने साहित्य के बारे में सोचते हैं, अपने म्यूज़िक के बारे में सोचते हैं, अपने डांस के बारे में सोचते हैं, आयुर्वेदा के बारे में सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। बाहर वेस्टर्न थॉट में जो इंडिया को देखा जाता, भारत को नहीं, इंडिया को रिकग्नाइज़ बड़े कम लोग करते हैं, भारत को रिकग्नाइज़ बहुत कम लोग करते हैं। इंडिया के बारे में जो प्रोजेक्शन बाहर होती है कि बड़ा गरीब देश है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, यहाँ ऑपरेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा लोगों को तंग किया जाता है, रेप कैपिटल दिल्ली को डिक्लेयर कर दिया गया विदाउट एनी स्टैटिस्टिक्स, तो बहुत सारे इश्यूज़ है कि इंडिया की प्रोजेक्शन बाहर, इंडिया की प्रोजेक्शन बाहर इस तरह की है। हमें इस प्रोजेक्शन में भी बहुत ज़्यादा काम करना है, इस प्रोजेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करना है
ताकि भारतीयता की एक अप्रिसिएशन बाहर भी लोगों में आए। पढ़े लिखे लोगों में और जो इंस्टीट्यूशनलाइज इंडिविजुअल्स थे उस समय में, उनमें भारतीयता की एक अप्रिसिएशन सदा ही थी। इसीलिए मेगस्थनीज ने इंडिका में और ह्यून-सांग ने अपनी किताबों में भारत का वर्णन बहुत अच्छे तरह से किया उस ज़माने में जब वो आए थे यहाँ पे। इसी तरह से वेस्ट के लोग जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं अपने आप में, वो अब भी भारत की तरफ देखते हैं, इंडिया की तरफ नहीं देखते हैं। तो ये जो दो गैप है इंडिया और भारत के बीच का, इसे भी हमें बिल्डअप करना है। आप सब आज आए हैं, थैंक यू सो मच। और अभय जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं अभय जी की, इसलिए कि जिस शिद्दत के साथ और जिस पैशन के साथ वो सेंटर चला रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का ये सेंटर आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेगा। आप लोग सेंटर के साथ जुड़े रहिए और जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज़ डू कंट्रीब्यूट टू आवर सेंटर। थैंक यू वेरी मच।